गोरखा हित सर्वोपरि। दार्जिलिंग पहाड़ की विधानसभा चुनावों के प्रचार का आज अंतिम दिन था। आज खरचांग विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीपी बाजगाई के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राजू बिष्ट उनके समर्थन में यहां अपने सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। उन्होंने मंगफू में भाजपा प्रत्याशी बीपी बाजगाई के लिए वोट की अपील की। वंदे 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 भारत माता की जय। गोरखा जय गोरखा जय गोरखा जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हमी माजा हमला वो बात ज्यादा था इसलिए जम्मे हमी उल्टाई दिन छौ। प्राइमरी एजुकेशन को पनी, हाई स्कूल को पनी, कॉलेज एजुकेशन को पनी, पुरानो गौरव हामी फर्काएर ल्याउँछौं। नया एउटा तर्क भन्नु पर्ने कुरा त मेरो अझै थियो, सकिएको छैन। तर अब उहाँहरूको मुखबाट तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। एउटा लास्ट कुरा म भन्छु, मैले राजुजीलाई यो कुरा गरिदिएको छु, यो ग्राउन्डको यहाँ स्टेडियम बनाउनु पर्छ। भारतको केन्द्र सरकारको तर्फबाट आज विमल गुरुंग ने जो बोला है कि अगर बीजेपी सरकार सब कुछ अगर कर देता तो पहले ही कर देता, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो झूठे वादे। देखिए मतलब मुझे तरस आती है उन उनको, इतना बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं, अभी भी उनको एहसास नहीं हो रहा है। देखिए ये यही विमल गुरुंग जी थे जो 2017 में जब आंदोलन हुआ स्थापित हुए, 3.5 साल तक घर से बाहर थे, और उसका कारण हमारे 13 गोरखा भाई बहन मारे गए, उसका कारण टीएमसी थी। हमारे 5,000 से ज्यादा युवाओं के ऊपर केसेस चार्जेस लगाए गए, उसका कारण टीएमसी थी। हमारे लोगों की घर कुर्की कर दी गई, उसका कारण टीएमसी थी। और मुझे आज उनकी मजबूरी समझ में नहीं आ रही है, किस मुंह से वो गोरखा जाति से टीएमसी को वोट करने के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 7 साल में मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, क्योंकि ये सब मुद्दों में समय लगता है। आप देखिए राम मंदिर बनने में इतना समय लगा, 370 को हटने में इतना समय लगा, सीए कानून को बनने में इतना समय लगा, बोरोलैंड की समस्या को इतना समाधान लगा, लेकिन निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे एक एक कर का सबका हल कर रहे हैं। और कल स्वयं गृह मंत्री जी ने दार्जिलिंग में मंच से कहा कि जो हमने गोरखाओं से वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे, और मुझे लगता नहीं कि विमल गुरुंग जी अमित शाह जी से या भारत के गृह मंत्री जी से बड़े हैं। चलो चलो।